कंप्यूटर दुनिया का एक ऐसा अद्भुत आविष्कार है जो आजकल हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। आजकल कंप्यूटर का प्रयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष अनुसंधान, कृषि और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो आइए जानते हैं कि कंप्यूटर की बुनियादी चीज़ें क्या है, ये कार्य कैसे करता है। तो ब्रिटिश गणितज्ञ और फिलासफर चार्ल्स बाबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, टू कैलकुलेट। हिंदी में कंप्यूटर को संगणक से जाना जाता है। तो कंप्यूटर की परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एज इनपुट एंड परफॉर्म्स प्रोसेसिंग ओवर इनपुट डेटा एंड प्रोवाइड्स आउटपुट इफ रिक्वायर्ड। इट आल्सो स्टोर्स द आउटपुट फॉर फ्यूचर यूज। हिंदी में कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इनपुट के रूप में डेटा और निर्देशों को स्वीकार करता है, इनपुट डेटा पर प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग कुछ और नहीं, ये अंक गणितीय और तार्किक कार्य होते हैं, और यदि आवश्यक हुआ तो जो आउटपुट आया उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं ताकि हम फ्यूचर में उसका प्रयोग कर सकें। सो प्रोसेसिंग एक ऐसा शब्द है जो बार बार कंप्यूटर में यूज़ होता है। प्रोसेसिंग का मतलब होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। अरिथमेटिक्स मीन्स इट इज़ द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। लॉजिकल मीन्स सम एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन एंड, नॉट ऑपरेशन दैट वी डू। अरिथमेटिक ऑपरेशंस, जैसा कि हमने बताया कि अरिथमेटिक ऑपरेशन एक गणितीय कार्य होता है जिसमें हम इनपुट डेटा पर ये विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर हम इसको कोशिश करते हैं जानने की, दो इनपुट के साथ, या यहाँ पर ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 5, ये हमने इनपुट के रूप में लिया है, और हम यहाँ पर अगर हम यदि जोड़ का ऑपरेशन करते हैं तो 10 + 5 और हमें 15 मिल रहा है। सो इसी तरह से जो भी ऑपरेशंस आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे ऑपरेशंस, ये आपके सारे ऑपरेशंस इसमें आते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस में। बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस की। तो लॉजिकल ऑपरेशंस यानी कि तार्किक कार्य वो होते हैं जिसमें हम ये ऑपरेशंस को प्रयोग करते हैं, एंड, और एंड नॉट, और ये ऑपरेशंस उन इनपुट डेटा पर होता है, और यहाँ पर हम इनपुट के रूप में 0 और 1 दो नंबर्स लेकर के चलते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यदि हम ए की जगह पर 0 लें और बी की जगह पर 0 लें और हम उस पर एंड ऑपरेशंस करें तो हमें रिजल्ट में 0 मिल रहा है, और यहाँ पर अगर हम ए की जगह पर 1 लें और बी की जगह पर 0 लें तो हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। 0 की जगह पर 1 लें, ए की जगह पर 0 लें और बी की जगह पर 1 लें तो हमें 0 प्राप्त हो रहा है। कुल मिलाकर के हमें आउटपुट तब 1 मिल रहा है जब दोनों इनपुट वैल्यू 1 1 है, और सभी केसेस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें 0 मिल रहे हैं। इसी तरह से बी और ऑपरेशंस है, हम यहाँ पर ए की जगह पर 0 और बी की जगह पर 0 लेते हैं तो हम इस पर यदि प्लस ऑपरेशन करते हैं, और इज आल्सो रिप्रेजेंटेड एज ए विद द सिंबल प्लस, तो हमें यहाँ पर 0 मिल रहा है। यदि हम 1 और 0 के बीच में और ऑपरेशंस लगाएं तो हमें 1 मिल रहा है, और ए की जगह पर 0 है और अभी बी की जगह पर 1 है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑपरेशंस हो रहे हैं हमें वो मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो एक चीज़ हमें यहाँ पर ये पता चल रही है कि यदि दोनों इनपुट अगर आपके 0 हैं तभी हमको 0 मिलेगा, और बाकी सारे
केसेस में हमें 111 मिल रहा है। तो अगर एक भी इनपुट इसमें और ऑपरेशंस में अगर 1 है तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट फाइनल आउटपुट हमें मिलेगा 1। और एंड ऑपरेशंस में अगर एक भी इनपुट 0 हो गया तो आपको मिल रहा है सारे 0 मिल रहे हैं। नॉट ऑपरेशन इसको निगेशन कहते हैं, जो भी इनपुट होता है इस इनपुट को ये पलट देता है। अगर यहाँ पर 0 है तो इसको 1 में बदल देगा, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ इसको 0 में बदल देगा। तो ये होता है नॉट ऑपरेशंस का कार्य, और इसको बार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए एन ए बार। तो इसमें समझते हैं कि डेटा होता क्या है। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में कुछ मूलभूत अंतर होते हैं जिसको समझते हैं कि है क्या, क्योंकि यह शब्द बार बार कंप्यूटर में यूज़ होता है। तो डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ रॉ और अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स फिगर्स एंड सिंबल्स इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट इमेज ऑडियो वीडियो एट्सेट्रा। सो हियर यू कैन सी, आप यहाँ पर देख सकते हैं राम एज 32 ईयर्स ओल्ड, ये सारे हमारे पास तथ्य हैं, ये डेटा हैं, और ये अनप्रोसेस्ड है, इसको परिष्कृत नहीं किया गया है अभी तक, इस पर कोई ऑपरेशन नहीं हुए हैं। अगर हम इस पर कुछ ऑपरेशन करके इसको प्रोसेस कर देते हैं तो यही हमारा डेटा एक इन्फॉर्मेशन का रूप ले लेता है। तो इन्फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा, इट इज ऑर्गेनाइज्ड मीनिंगफुल एंड यूजफुल। सो इसी शब्दों को हम अगर एक क्रम में रखें तो हमें एक अर्थपूर्ण वाक्य मिल रहा है, राम इज 32 ईयर ओल्ड, या राम्स एज इज 32 ईयर्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यही शब्द जो हम यहाँ पर जिसको हम डेटा कह रहे थे उसको हमने ये प्रोसेस किया, और ये प्रोसेस करने के बाद हमें ये मिल गया सूचना, तो हम इसे इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, और ये हमारा डाटा, और हिंदी में डाटा को बोलते हैं आंकड़े आंकड़ा, और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को हम सूचना बोलते हैं। तो हर एक जानकारी डेटा है, लेकिन हर एक डेटा जानकारी नहीं हो सकती है। और आइए जानते हैं कि कंप्यूटर के बहुत से इम्पॉर्टेंट भाग हैं जो मिल करके इस कंप्यूटर के कार्य को संपादित करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये कैबिनेट एक बॉक्स दिख रहा है, डब्बे जैसा दिख रहा है, ये क्या है, ये होता है कैबिनेट, या इसे केस कहते हैं। इसके अंदर बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं, और ये कंपोनेंट जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तब ये कंप्यूटर का रूप लेते हैं। तो सबसे मुख्य भाग कंप्यूटर में होता है एक मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कुछ ऐसा होता है जिसमें बहुत से स्लॉट्स बने होते हैं, और ये सारे जितने भी आप कंपोनेंट देख रहे हैं, चाहे पावर सप्लाई हो, डीवीडी रोम हो, वो सीपीयू फैन है, ये रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वीजीए कार्ड है, ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड है, हार्ड डिस्क है, रीडर ऑल इन वन, इंटरनल माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, मॉनिटर, ये सारी चीज़ें इसको एक कंप्यूटर का रूप देती है। लेकिन ये सारे कंपोनेंट जितने भी देख रहे हैं आप, ये सारी चीज़ें किस में कनेक्ट होती है, ये जा करके कंप्यूटर मदरबोर्ड में। तो मदरबोर्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है आपके कंप्यूटर में। तो अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर का बेसिक ब्लॉक डायग्राम क्या है। इसको बोलते हैं कि मूलभूत ये डायग्राम ये बताता है कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये विभिन्न कंपोनेंट्स को, यूनिट्स को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका होता है सीपीयू, जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आपका कंट्रोल यूनिट होता है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, और यहाँ पर मेमोरी यूनिट है। तो और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज और यहाँ पर ऑक्सिलरी स्टोरेज यूनिट्स हैं। तो होता क्या है, यहाँ पर जो भी इनपुट हम लोग देते हैं
वो इनपुट यूनिट हैंडल करता है, फिर इनपुट आपका यहाँ पर आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अपना कार्य करने के बाद यहाँ पर आउटपुट हमें आउटपुट यूनिट के थ्रू हमें दिखाता है। तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं, अगर हम लेते हैं ए और ये बी, दो हम इनपुट लेते हैं, ए की जगह पर हम 10 ले लेते हैं, इसकी जगह पर हम 20 ले लेते हैं, तो ये हमारा ए बराबर 10 और बी बराबर 20, ये दोनों क्या हो गए, हमारे इनपुट हो गए। और ये तो हमारे इनपुट हो गए, ये डाटा हम इनपुट यहाँ पर देंगे, फिर हम इसके बाद इंस्ट्रक्शन देंगे, यानी कि आदेश देंगे कि करना क्या है। तो आप समझ आप जानते हैं कि ये कंप्यूटर अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेशन से, जिसमें जोड़ घटाना गुणा भाग ये सारी चीज़ें आती है, तो अगर हम यहाँ पर प्लस का सिग्नेचर साइन दे दें, तो यहाँ पर ए प्लस बी, अब यहाँ पर हमने कंप्यूटर को 10 दिया और ये 20 दिया, और हमने यहाँ पर प्लस ऑपरेशन दिया, तो ये सारे आदेश कहाँ पर जाएंगे, ये आदेश हमारा यहाँ आएगा। ओके, अब उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में ये ऑपरेशन सारे होंगे और ये मेमोरी में स्टोर होगा। तो ये जो इंस्ट्रक्शन और या डाटा हमारे पास कंप्यूटर में आया, वो पहले मेमोरी यूनिट में आया, मेमोरी यूनिट से ये ALU में जाएगा, वहाँ ऑपरेशन होगा, और उसके बाद फिर यहाँ पर रिटर्न होकर के यहाँ पर मेमोरी यूनिट में सेव कर दिया जाएगा। और क्योंकि हमें इसको देखना भी होता है, तो हम ये आउटपुट में हम उसको डिस्प्ले कर लेते हैं किसी मॉनिटर के सहायता से। तो यहाँ पर कंट्रोल यूनिट का बहुत ही बड़ा योगदान है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ लाइनें डॉटेड लाइन से दिखाई गई और कुछ सॉलिड लाइन से दी गई है। तो डॉटेड लाइन कंट्रोल सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, और फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ये सॉलिड लाइन के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पर आप देख रहे हैं सॉलिड लाइन, यहाँ पर डेटा का फ्लो हो रहा है। तो हमारा इनपुट यहाँ पर आया, ALU में गया, ऑपरेशन हुआ, मेमोरी में स्टोर किया। यदि डेटा मेमोरी में है तो ALU में आया, और ALU में ऑपरेशन हुआ, फिर यहाँ पर स्टोर किया। लेकिन ये सब सारे कंपोनेंट, जितनी भी यूनिट हैं, इन सब के बीच में एक सामंजस्य कौन बैठाता है, वो सामंजस्य बैठाने वाला यूनिट है आपका कंट्रोल यूनिट। तो ये कंट्रोल यूनिट ही है, सबको आदेश देता, सबको सिग्नल देता है कि कौन सा कंपोनेंट, कौन सा यूनिट कब कार्य करेगा और किस क्रम में कार्य करेगा, कब उसको कार्य करना है, कब उसको कार्य नहीं करना है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने इनपुट लिया और उस पर कुछ ऑपरेशंस दिए, तो यहाँ पर ALU में काम हुआ, और वो जो भी आउटपुट आया, उस आउटपुट को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि रिजल्ट क्या आया, और हम उसको क्या है, मेमोरी में स्टोर भी कर सकते हैं। तो मेमोरी के लिए कुछ हमारे पास टेम्परेरी मेमोरी होती है, यानी कि अस्थाई मेमोरी होती है, और कुछ होती स्थाई मेमोरी होती है। तो अस्थाई मेमोरी तो कंप्यूटर को बंद होते ही वो तो ख़त्म हो जाती, उसमें डेटा जो भी होता है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है, जो जिसको हम स्थाई मेमोरी बोलते हैं या परमानेंट मेमोरी बोलते हैं, उसमें जा करके अगर डेटा स्टोर हो गया है, तो हम फ्यूचर में, भविष्य में कभी भी उसको ओपन करके देख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे ये कार्य करता है यहाँ पर। तो ये आपका जो भाग है सेंट्रल प्रोसेसिंग, इसी को हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। कंप्यूटर का ब्रेन ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही है जो सारे कार्यों को करता है। आइए समझते हैं इसमें कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती है। इनपुट डिवाइसेस वही होती हैं जिससे हम कंप्यूटर को डेटा या निर्देश देते हैं, और जिस पर हमारा CPU कार्य करता है और हमें आउटपुट देता है। तो ये बताता है कि क्योंकि ये हाउ टू टेल इट व्हाट टू डू, कंप्यूटर को हम कैसे बताएंगे कि ये कार्य क्या करना है। तो इनपुट डिवाइस ही एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को ये बताते हैं कि इसे क्या कार्य करना है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि माउस होता है,
माउस एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस होती है जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर में स्क्रीन पर दिखे हुए डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम वहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको आदेश दे सकते हैं। तो ये कंप्यूटर माउस एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस होती है। दूसरा है कीबोर्ड। कीबोर्ड भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। इसके बिना कंप्यूटर पर कार्य करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो कंप्यूटर किस लिए होता है, कंप्यूटर कीबोर्ड किस लिए यूज होती है, ये कंप्यूटर में आदेश को देने के लिए होती है। जैसे हमें इनपुट देना है और या किसी तरह का आदेश देना है तो सारी इनपुट वाली प्रणाली इसी कीबोर्ड से हम लोग करते हैं। और भी बहुत सी इनपुट डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर में आदेश देने का कार्य करती हैं, लेकिन जो बहुत ही कम यूज होती हैं। लेकिन ये माउस और कीबोर्ड ये ऐसी डिवाइसेस हैं जो बहुत ही अत्यंत ही आवश्यक हैं। इसके बिना काम करना कंप्यूटर में बहुत ही मुश्किल भरा होता है। अगला है आपका ट्रैकर बॉल्स। तो ये ट्रैकर बॉल्स क्या करता है, ट्रैक बॉल एक प्रकार का, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रैक बॉल, ये यहाँ पर एक, ये उसी तरह से होता है जैसे एक माउस होता है। और माउस के नीचे यहाँ पर आजकल तो लेजर माउस आ रहे हैं, पहले क्या होता था, पहले इस तरह का पॉइंटिंग डिवाइस जो भी होती थी, ये बॉल्स जो होती थी वो आपके माउस के नीचे होती थी और वो रोल होने पर हमारे पॉइंटिंग डिवाइसेस को मूव करती थी। तो यहाँ पर ट्रैक बॉल भी क्या करते हैं, किसी चीज़ को हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे पॉइंट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए हम ये पॉइंटर का यूज करते हैं। और ये, या ये भी कह सकते हैं अगर माउस को हम उल्टा पलट के रख दें तो आप उसको एक ट्रैक बॉल की तरह यूज कर सकते हैं। आजकल के आप टिपिकल माउस की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं पुराने जो माउस जिसमें इस तरह के बॉल्स लगे हुआ करते थे। ये जनरली ग्राफिक डिजाइनर्स के द्वारा यूज होते हैं। फिर होता है हमारा नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है स्कैनर। स्कैनर एक प्रकार का एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम अपने दस्तावेजों को रख करके उसकी प्रति निकाल सकते हैं और उसको क्या है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी फाइल फॉर्मेट में, इमेज के रूप में। तो ये स्कैनर हमारे प्रिंटेड मटेरियल को ये क्या करता है, एक फाइल का रूप दे देता है जिसको हम कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं और भविष्य में हम उसको यूज कर सकते हैं। अगला है हमारा टच पैड्स। तो टच पैड्स आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इस तरह के आप टच पैड लैपटॉप में आने लगे हैं। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपनी उंगलियों को मूव करके हम कर्सर को पॉइंट कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लाइट पेन यह एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस होती है जिसको क्या है, हम अगर कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ जगहों पर हम कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, कुछ ड्राइंग करना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें वो एक इनपुट की तरह लेता है और स्क्रीन में लिखे हुए सेलेक्ट किए हुए या कुछ उस पर हम जो भी हम लिख रहे हैं वो सारी चीज़ें कंप्यूटर में स्टोर हो जाती है। तो अगला है जॉयस्टिक। ये जॉयस्टिक भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, इसको बहुतायत रूप में बच्चे गेम खेलने के लिए यूज करते हैं। अगला है आपका आउटपुट डिवाइसेस। ये आउटपुट डिवाइसेस हमें ये मदद करती हैं कि कंप्यूटर में किस समय क्या चल रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है, हमने जो भी आदेश दिए, जो भी डेटा दिया, उस पर जो प्रोसेसिंग हो रही है, तो उसको हम देखें कैसे। तो उसको देखने के लिए या उसमें हुआ क्या है, उसको हम कैसे जाने, तो उसके लिए हम क्या है, आउटपुट डिवाइसेस को हम लोग यूज़ करते हैं। सो हाउ इट शोज यू व्हाट इट इज़ डूइंग। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली चीज़ है कंप्यूटर में, विजुअल डिस्प्ले यूनिट।
इसको वीडियो के नाम से भी जानते हैं, और ये आपका ये मॉनिटर हो सकता है, मॉनिटर और ये एलसीडी, ये सारी चीज़ें जो भी हैं एलईडी एलसीडी, ये सारे क्या वीडियो होते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो ये मॉनिटर, ये सारी चीज़ें जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होती हैं, ये आउटपुट डिवाइस की तरह कार्य करते हैं, और जो भी कंप्यूटर के अंदर सारी चीज़ें हो रही है वो हमें ये डिस्प्ले करता है। प्रिंटर, नेक्स्ट प्रिंटर। तो प्रिंटर एक प्रकार की ऐसी ही मशीन है जो कंप्यूटर के साथ अटैच होती है, और ये हमारे किसी भी डॉक्यूमेंट को जो हमने डिज़ाइन किया है, जो हमने डॉक्यूमेंट तैयार किया है, हम उसका प्रिंट आउट किसी भी पेपर पर हम ले सकते हैं। तो इस समय प्रिंटर सबसे ज़्यादा लेजर प्रिंटर्स यूज़ हो रहे हैं, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है। बाकी और भी कई प्रकार के प्रिंटर होते हैं। प्लॉटर, प्लॉटर भी एक प्रिंटर की ही तरह होता है, लेकिन इसका साइज़ बड़ा होता है। जब ये पोस्टर, बड़े बड़े पोस्टर्स या इंजीनियरिंग जो डिज़ाइन होती हैं, ड्राइंग होती है, उनको प्रिंट आउट के लिए ये प्लॉटर का यूज किया जाता है। अगला है आपका स्पीकर। स्पीकर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस होती है, ये हार्डवेयर डिवाइस जो भी सिग्नल आपके कंप्यूटर में हैं, यदि कोई सॉन्ग है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको साउंड में बदलने के लिए ये स्पीकर का यूज़ करते हैं। जैसे हमें कोई संगीत सुनना है या हमें मूवी देखनी है, तो जो साउंड है हम इस स्पीकर के माध्यम से ही देख पाते हैं। अगला है आपका, ये बहुत ज़्यादा ये शब्द यूज़ हुआ करता है, कि पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती है, व्हाट इज पेरिफेरल डिवाइसेस। सो पेरिफेरल डिवाइसेस में इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइसों को कंबाइन किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका कंप्यूटर है, और कंप्यूटर के चारों तरफ इसको बोलते पेरिफेरा। सो इस पेरिफेरा में आपका ये सारी डिवाइसेस जो भी कनेक्ट होती है, चाहे तो माउस हो, कीबोर्ड हो, स्कैनर है, आपका कैमरा है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, ये स्पीकर है, या और भी किसी प्रकार की अन्य प्रकार की डिवाइस, आप पेन ड्राइव भी लगाते हैं, ये सारी चीज़ें पेरिफेरल डिवाइसेस में आती है, क्योंकि ये कंप्यूटर के सीपीयू के चारों तरफ कनेक्ट होती है। इसी वजह से इसको नाम दिया जाता है पेरिफेरा। पेरिफेरा मीन्स इसके किनारे कनेक्ट होती हैं ये सारी डिवाइसेस। तो इसमें पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब कि इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइसेस आती है। अगर किसी ने कहा कि हमें इनपुट पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में बताइए, तो आप सिर्फ इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताएंगे, आउटपुट डिवाइसेस को छोड़ देंगे। तो लेकिन अगर किसी ने बोला कि पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में बताइए, तो आप इनपुट और आउटपुट दोनों तरह की डिवाइसेस को आप कंबाइन करके नाम ले सकते हैं या बता सकते हैं। अब समझते हैं कि इसमें जो हमारा ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर का हमने देखा, और उस ब्लॉक डायग्राम में आपको मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ वो डायग्राम। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये ALU है, ये कंट्रोल यूनिट है, ये मेमोरी यूनिट है, ये आउटपुट यूनिट है, और ये इनपुट यूनिट है, यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज है। तो ये सारे फंक्शंस कैसे करते हैं, ये कार्य कैसे करते हैं, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अब इसमें आप देखिए होता क्या है, जो भी एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है, जो गणनाएं होती है, तार्किक और अंकगणितीय, वो सारी चीज़ें अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट के अंदर ही होती है, और इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ALU, ये कहा जाता है ALU। तो ये ALU के अंदर सारी चीज़ें होती हैं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट डेटा कहाँ से लेता है, ये मेमोरी से लेता है, और मेमोरी में क्या होता है, आपके प्रोसेसर जो होता है, उस प्रोसेसर में रजिस्टर्स भी होते हैं, वो रजिस्टर भी एक प्रकार की मेमोरी होती है, जहाँ पर डेटा हम अस्थाई तरीके से हम स्टोर कर सकते हैं। तो ALU कंटेन्स लॉजिकल सर्किट टू परफॉर्म
मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन द वैल्यूज हेल्ड इन द प्रोसेसर रजिस्टर आर इट्स एक्यूमुलेटर। तो आपके ALU के द्वारा ये सारे तरह के ऑपरेशंस, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ओके, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ग्रेटर देन, लेस देन, इस बहुत से तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं वो ALU ही करता है। और ये क्या करता है, रजिस्टर, जो प्रोसेसर का जो रजिस्टर होता है, ये भी बताया कि मैंने कि एक प्रकार की मेमोरी ये भी होती है। तो यहाँ पर जो डेटा होता है वहाँ से डेटा लेता है, ओके, और यहीं पर एक एक्यूमुलेटर, एक ऐसा रजिस्टर होता है प्रोसेसर में जो जो टेम्परेरी डेटा को यहाँ पर स्टोर करता है। तो जो भी आउटपुट आता है वो टेम्परेरी यहाँ पर एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो CPU एक जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इसमें ALU होगा, और इसमें जो कंट्रोल यूनिट होती है, कंट्रोल, आपने पहले बताया कि ये कंट्रोल यूनिट सामंजस्य का काम करती है विभिन्न भाग, विभिन्न कंपोनेंट्स में जो आपके कंप्यूटर में लगे हुए हैं। तो इनको कुल मिलाकर के क्या बोला जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU। तो आप CPU को ये भी मान सकते हैं कि यही आपके कंप्यूटर का एक ब्रेन होता है। जैसे हमारी शरीर में, ह्यूमन बॉडी में ब्रेन एक मुख्य भाग होता है, उसी तरह से हमारे कंप्यूटर में CPU कार्य करता है। सो इट इज़ लाइक ब्रेन दैट टेक्स ऑल मेजर डिसीजंस, मेक्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ कैलकुलेशंस एंड डायरेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर फंक्शंस बाय एक्टिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस। तो ये कंप्यूटर सारे डिसीजन, जो भी निर्णय लेने का, जो भी कैलकुलेशन करने का, जो भी डायरेक्शन देने का, सारा कार्य ये आपका CPU ही करता है। इसमें कंट्रोल यूनिट का क्या रोल है, इसको जानने की फिर से कोशिश करते हैं। तो ये एक प्रकार का सुपरवाइजर की तरह काम करने वाला अंग होता है कंप्यूटर में, जो कि ये करने की कोशिश करता है कि सारे कार्य सही तरीके से हों। सो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिम्मेदारी इसकी ये होती है कि सारे जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उसको टाइम सिग्नल के साथ की मदद से उसको क्या है, प्रॉपर फैशन में करे या प्रॉपर तरीके से करे, सही क्रम में करे। और ये लॉजिकल यूनिट मेमोरी एज वेल एज बोथ यूनिट एंड आउटपुट, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को ये रिस्पोंड करता है। ये उसको बताता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम से मिले हैं उसको किस ऑर्डर में और किसको पहले करना है और किसको बाद करना है और कौन सी डिवाइस को कब एक्टिव होना है और कब वो कार्य करेगी और हमें आउटपुट मिलेगा। तो इस तरह से सारे कंट्रोल यूनिट का काम है सामंजस्य बैठाना, और ये एक सुपरवाइजर की तरह काम करता है कंप्यूटर में। तो थिंग्स लाइक प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी, इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है आदेश, जो भी था उसका इंटरप्रिटेशन, उसका मतलब क्या होता है, जो भी प्रोग्राम में मेन मेमोरी में हमारा स्टोर है और उसको सिग्नल इशू करता है कि कंप्यूटर उसको काम करे, और इट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर पेरिफेरल्स इक्विपमेंट्स एज दे परफॉर्म द इनपुट एंड आउटपुट। तो
ये इस चीज़ में भी सहयोग करता है सारी प्रक्रियाओं में, कि जो भी हमारे पास इनपुट और आउटपुट जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनको बीच में भी, उनके बीच में भी सामंजस्य को बैठाने के लिए ये कंट्रोल यूनिट जिम्मेदार होती है। अगला है आपका मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसमें हम कंप्यूटर के डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उस पर मेमोरी पर हम वहां पर कार्य भी कर सकते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, ये आंकड़ों को और आदेशों को स्टोर करने के लिए यूज होती है। इट इज़ द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर वेयर डेटा इज टू बी प्रोसेस्ड, और यही रैम में प्रोसेसिंग भी हुआ करती है, यहाँ पर डेटा स्टोर होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो चित्र है ये रैम का है, जिसको बोलते हैं हम रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये एक प्रकार की टेम्परेरी मेमोरी है, ये प्रकार की अस्थाई मेमोरी है। तो मेमोरी का काम है डेटा को संग्रहित करना, और ये संग्रहण मेमोरी के टाइप पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है कि डेटा को कुछ समय के लिए रखना है या परमानेंट रूप से परमानेंटली रखना है या हमेशा के लिए रखना है। तो इस तरह से हमने जाना कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर क्या है, इसके कुछ बेसिक जानकारियों, बुनियादी जानकारियों के बारे में